हम लोग अब मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं हेडिंग बना लो मोशन सो दिस इज चैप्टर कि लास्ट एक महीने में हमने जितना भी काम किया है हमने प्रॉबर्बली मोस्टली अपना एक बेस बनाया है, जिसमें हमने वेक्टर्स को समझ लिया राइट right? जिसमें हमने डिफ्रेंसिएशन देख ली जिसमें हमने कुछ क्वांटिटीज देख ली अब हम लोग मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन में हमारे पास दो तरह के मोशन को ब्रॉडली समझना है एंड तुम लोग नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी मोशन पढ़ के आयो ठीक है उसमें तुमने ये चीजें देखी हुई है बट ऑब्वियसली अब थोड़ा लेवल बहुत हाई रहेगा अभी चीजों का क्योंकि डिफ्रेंसिएशन बहुत कॉमन चीज होगी एंड इवन इंटीग्रेशन बहुत कॉमन चीज होगी एनीवेज मोशन मोशन हमारे पास दो तरीके का होता है वन इज यूनिफॉर्म मोशन and the other is non-uniform motion. Now when I say कि हमारा motion uniform है उससे हमारा मतलब क्या है उसका उससे हमारा मतलब है कि हमारी velocity constant है स्पीड नहीं बोल रहा हूं सिर्फ विलोसिटी कॉन्स्टेंट है I say velocity constant है स्पीड तो constant है ही है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट है मतलब इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन ठीक है व्हेन आई से यूनिफॉर्म मोशन तो इसका मतलब हम बोलेंगे इज एंड व्हेन आई से वो चीज अपने आप आ चुकी है बीच में इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड व्हेन आई से वेलोसिटी कॉन्स्टेंट दैट ऑटोमेटिकली मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड पूरा लिख लेना तुम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड वो होता है कॉन्स्टेंट विलोसिटी ठीक है कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं मेरी स्पीड पहले भी 50 थी अब भी 50 है एक घंटे बाद भी 50 है तो मैं अगर कॉन्स्टेंटली 50 की स्पीड पे जाता रहूंगा तो आई विल से मेरी मेरे पास कॉन्स्टेंट विलोसिटी है और आई कैन से मैंने एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म किया अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ऑब्वियसली हमारी एक्सेलरेशन क्या होने वाली है ऐसे केस में जीरो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट और आई कैन से एक्सेलरेशन जीरो ठीक है एंड यूनिफॉर्म मोशन सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें हमें मोस्टली एक ही फॉर्मूला यूज करना है एंड दैट फॉर्मूला इज सिंपली दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज बेसिकली एक्स इज इक्वल टू वीटी. बस ये लगा सकते हो इसके अलावा तुमको और कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना कि अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मैं 50 की स्पीड पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पांच घंटे के लिए ट्रैवल करता रहा तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 इंटू फाइव किलोमीटर ठीक है सिंपल एकदम सिंपल कि बस स्पीड को डिस्टेंस टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा बहुत ही नॉर्मल सी चीज है तो इसके ऊपर तो ज्यादा क्वेश्चन अब तुमको इलेवेंथ लेवल पे नहीं आएंगे कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि दस घंटे में तुमने इतनी स्पीड पे कितना ट्रेवल किया ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज में ब्रेक करेंगे एक कैटेगरी होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उससे मेरा मतलब है कि या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर दोनों ही चेंज हो जाए समझ में आ गई तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी एक चीज चेंज हो जाए चाहे डायरेक्शन चाहे स्पीड चाहे चाहे मतलब मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन चाहे दोनों चेंज हो जाए सो दैट वुड मेक इट कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मोशन और आई कैन से कि जो मेरी है वो जीरो के बराबर नहीं होगी ठीक हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है ठीक है तो फिर अगर एक्सेलरेशन है अब वो भी दो तरीके से हो सकती है एक होता है पहला हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड तो मोशन क्या रहेगा ये वाले मोशन में जो हमारी एक्सेलरेशन है ये constant value होने वाली है. एक्सेलरेशन इज गोइंग ठीक हो गया कि acceleration is constant. ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा हमारे लिए होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन Non uniformly accelerated motion. एग्जाम्पल लें एक काम करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं तो तीनों में डिफ्रेंशिएट तुमको उससे हो जाएगा ठीक है लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल मैं तुमको कहता हूं कि मेरे पास एक पार्टिकल है अब मैं ना कुछ अलग अलग टाइम्स डिफाइन कर देता हूं टी इज इक्वल टू जीरो टी इज इक्वल कि एक पार्टिकल था वो t इज जब मोशन स्टार्ट हुआ तब उसकी स्पीड थी लेट्स से v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड मैं यूनिट नहीं डाल रहा हूं जब साफ रख रहा हूं इसको 10 10 मीटर पर सेकेंड वन सेकेंड के बाद वो वी कितना रहा लेट्स से 10 रहा टू के बाद भी वी कितना है 10 टी इजिकल टू थ्री पे भी वी कितना है 10 ये किस चीज का एग्जांपल होगा यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज यहां पे मेरी वेलोसिटी और इट्स गिवन इन द क्वेश्चन कि वो स्ट्रेट लाइन में जाते जा रहा है

कि एक्सेलरेशन तो है स्पीड तो बढ़ रही है पर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है हर एक सेकंड में कितना-कितना चेंज -कितना आ रहा है, पांच पांच का तो अगर मैं देखो यहां पे पूछूं कि कितनी है तो तुम्हारा जवाब होगा ऊपर वाले लेकिन मैं यहां पे पूछूंगा तो क्या बोलोगे भी कितनी आ गई फाइव यहां पे भी कितनी आ गई फाइव

तो यहां कितनी है पांच या एक्सेलरेशन कितनी है दस या एक्सेलरेशन कितनी है तीस कोई हिसाब किताब ही नहीं है कोई को, कोई तरीका नहीं है बेसिकली कोई यूनिफॉर्म तरीके से नहीं ना एक्सेलरेट हो रहा है हो रहा है कभी कितनी बढ़ गई कभी कितनी बढ़ गई कोई हिसाब किताब नहीं है तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ठीक हो गया नाउ जब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम सही हो गया अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो आखिरी वाला है इसको सॉल्व करने का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका तो नहीं होगा कि मैं तुमको बोल दूं जी ये फॉर्मूला अप्लाई ये कर देगा ऐसा तो नहीं होगा इसमें क्योंकि कोई कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा हो सकता है थोड़ी देर बाद पचपन की वजह गिर के तीस रह गई हो फिर एकदम से डेढ़ हो गई हो बेसिकली तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है कोई पैटर्न नहीं है जिससे तुम बढ़ाते जा रहे हो स्पीड या जिससे तुम घटाते जा रहे हो इट्स एकदम हैफेजड़ है तो ऐसी चीज को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैलकुलस यूज करके होगा ये वाला जो हमारा केस है क्यों ऐसा कैलकुलस क्यों यूज करेंगे देखो डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया क्या था हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स को डील करते हैं है ना जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने एवरेज हमें इंस्टेंटेनियस चीज चाहिए थी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या था एवरेज फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉल इंटरवल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिकली हमको एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में डील करके उनको एड करना सिखाती है समझ लो कहने का मतलब क्या तो अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मेरा जो मोशन है ना वो बार बार कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा है कि एक घंटे में मैंने हजारों बार अपनी स्पीड कम भी करी हजारों बार अपनी स्पीड बढ़ाई भी तो मुझे उस एक घंटे को ना हजार टुकड़ों में पहले बांटना पड़ेगा और हर एक छोटे छोटे टुकड़े को सेपरेटली डील करना पड़ेगा तो मुझे हिंट लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उसमें मुझे कैलकुलस दैट इज डिफरें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं होगा तो फिर ठीक है जी बढ़िया इसको अलग से हैंडल करेंगे हम लोग इसका समझ में आ गया इसका समझ में आ गया अब बचा क्या हमारे पास बीच में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसके हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं और वो फॉर्मूलाज तुम लोग को ऑलरेडी आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन तुम लोग पढ़ के आए हो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस माइनस टू टू एस द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो जो इक्वेशन सिर्फ सिर्फ से केस में लगानी है इसमें मैं ये बात चैप्टर पढ़ाते 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 25-30 बार 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 बोलूंगा फिर भी तुम लोग गलती करोगे देखना तुम्हें मैं फिर रिपीट कर देता हूं आज तो एक दो तीन बार तो आज ही कर ही देता हूं कि ये जो अभी हम फॉर्मूलाज यूज करने लिखने वाले हैं वो हम किसके लिए करने वाले हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो जब भी तुम्हें कैनोमैटिक्स का क्वेश्चन आएगा तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन है कि कौन सा मोशन है ठीक है अगर तुमने देखा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है सिर्फ तभी वो फॉर्मूलाज लगाने हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं क्या सबको यहां तक की बात समझ में आ गई अभी नोट भी कर लिया सबने साथ साथ करते जा रहे हो तो जल्दी से हेडिंग बना लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अब मैं यूनिफॉर्म मोशन की कोई अलग से हेडिंग नहीं बनवा रहा हूं बिकॉज इसमें है ही नहीं कुछ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम अब आ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और ब्रैकेट में लिख लेना ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दट इज acceleration कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ठीक है नाउ इक्वेश्स लिखना स्टार्ट करते हैं पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए वेयर वॉट इज वी फाइनल वेलोसिटी वॉट इज यू इनिशियल वेलोसिटी व्हाट इज ए एक्सेलरेशन और ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तभी तो डकर पाओगे इक्वेशन अब एक्सेलरेशन मान लो चेंज होते जा रही है तुम्हें क्या पता कौन सी डालनी है इसमें तो ऑब्वियसली तुमको वहीं से समझ में आ जाएगा कि अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तभी तो लगाओगे problem. और टाइम का टी का रिप्रेजेंट करता है टाइम टेकन टाइम इंटरवल है ना जिसमें वो मोशन हुआ ओके तो ये समझ में आ गया ये तो हो गई पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् और तीसरी क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू समझ में आ गया ये तो तुम लोग को सबको पता है अगेन कोई नई चीज आई है कि ऐसा हाँ, आ गया ये ऐसा क्या है क्या है डिस्टेंस दिस्ट्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सर फर्क आएगा कुछ बहुत फर्क आएगा हाँ अगर पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन फिर तो चाहे तुम इसको डिस्टेंस बोल लो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल लो बट ये अदरवाइज क्या लगा करेगा डिस्प्लेसमेंट कि मान लेते हैं क्योंकि आगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे जैसे मान लो एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका ऊपर फेंका और वापस अब नीचे आने लग गई अब उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर सेपरेट थिंग्स बिकॉज मान लो यहां से फेंका और वापस जमीन पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी जीरो डिस्टेंस डबल टाइम्स ऑफ द हाइट जितना ऊपर जाके उतना वापस आया हो हो जाएगा उस में। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फर्क जाता है जब पार्टिकल वापस आ जाता है अपनी जगह पे या फिर अपने पाथ पे वापस आना स्टार्ट कर देता है उस केस में याद रखना है कि ये फॉर्मूला तुमको क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा ना कि मतलब अगर मैं वो वाले क्वेश्चन में मैं तुमको बोलता हूं कि एक पार्टिकल को ऊपर फेंका दो सेकंड बाद नीचे आ गया तो उस फॉर्मूला में ना जब मैं इसको टू डालूंगा तो आंसर जीरो आएगा तुम्हारा देखना करेंगे उन चीजों तो, तो हमको आते हैं पर मैं तुमको साथ में और लिखवा रहा हूं मतलब इन्हीं को यूज करके देखो ये तो इंडिपेंडेंट है अपने अलग डिफरेंट है कि ये अलग फॉर्मूला ये अलग फॉर्मूला अलग फॉर्मूला अगर मैं दो को मिला के मैं एक चौथा फॉर्मूला भी बना सकता हूं आई कैन से एस एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू टाइम ऑफ टी अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये सारे फॉर्मूलाज ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए ये कैसे आएगा बहुत ही सिंपल है सिंपल इसकी डेरिवेशन तुमको दिखा देता हूं क्या डेरिवेशन है इसको यूज करो क्या मैं इसको ऐसा लिख दू v माइनस यू इंटू वी प्लस यू इज इक्वल टू टू एस ऐसा लिख सकता हूं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां से बी माइनस यू यू को मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो क्या बनेगा बी माइनस यू और उसकी वैल्यू कितनी डाल सकता हूं यहां पे? 80. A A हूं यहां यहां और कैंसिल कर देता से तो हूँ कितना आ गया u टाइम तो बेसिकली फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज करके चौथी बन गई है तो ऐसा नहीं है कि कोई नया फॉर्मूला बता दिया तुमको इंडिपेंडेंट तो ये तीन फॉर्मूला थे चौथा मैंने बस उन दोनों को यूज करके बना दिया कई बार काम में आ जाता है ठीक हो गया एक पांचवा फॉर्मूला भी बताना है पर पांचवा फॉर्मूला की थोड़ी फील आने के लिए तुमको पहले एक न्यूमेरिकल कराता हूं फिर हम लोग पांचवा फॉर्मूला जनरलाइज करके लिख देंगे ठीक है क्वेश्चन देखें चलो मैं तुमको क्वेश्चन देता हूं एक कि एक पार्टिकल है ठीक है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है से टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है पे मतलब इनिशियल मीटर पर सेकंड जो एक्सेलरेशन है ये तो होगी उसकी यू और जो इसकी एक्सेलरेशन है वो लेट से ले लेते हैं हम लोग टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसकी एक्सेलरेशन है ठीक है तो पार्टिकल की स्पीड इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एक सेकंड के बाद तुमसे पूछूं इसकी का मतलब क्या होता? इसका मतलब होता कि हर सेकंड दो दो की स्पीड बढ़ते जा रही है।, उसकी एक्सेलरेशन है दो दो हर बार बढ़ते जा रही है तो अगर शुरू में दस थी तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी बारह फिर एक और सेकंड बाद चौदह फिर सोलह अठारह बीस बाईस इस तरह से यूनिफॉर्मली बढ़ती जाएगी ये होता ना एक्सेलेशन का मतलब है ना एक्सेलरेशन का मीटर स्क्वायर क्यों लगता है इसका मतलब होता है टू मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड हर सेकंड में टू मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ रही है समझ रहे हो मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है पर सेकेंड इसलिए क्वेश्चन है फाइंड तो अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है वापस तो आ नहीं रहा पार्टिकल चाहे मैं यहां पे डिस्टेंस बोल लू चाहे मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट बोल, पे बोल ठीक है फाइंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन दिस केस इन फिफ्थ सेकेंड पांचवें सेकेंड में लेट मी रिपीटेड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पांच सेकेंड में कितना कवर किया मैं पांचवें सेकेंड में बोल रहा हूं समझ आ रही है पांचवें सेकेंड में तो कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर मैं बोलू कि मुझे एग्जैक्टली exactly सिर्फ पांचवें सेकंड में चाहिए कैसे निकालोगे हाँ जी नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं लगाना कुछ इसमें हाँ जी पांचवें सेकंड में कितना कवर किया उल्टा फाइव और फोर बेसिकली पे, फिफ्थ सेकंड में पांचवें सेकंड में तो मैं क्या करूंगा मैं पांच मीटर का पांच सेकंड का निकाल लूंगा फॉर्मुला एंड फिर मैं चार सेकंड का निकाल लूंगा और मैं माइनस कर दूंगा पे इंस्टेंटेनियस की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे तो एक ड्यूरेशन में पूछा गया कि पांचवें सेकंड में ड्यूरेशन हो गई ना चौथे से पांचवें के बीच में आई से फिफ्थ सेकंड दैट मीन चार सेकंड के बाद और पांच सेकंड से पहले अब मैं तुमको बोलूं कि तुमने बठिंडा से चंडीगढ़ जाना है तुमने पांच घंटे लिए ढाई सौ किलोमीटर में तुमने पांचवें घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तुम बोलोगे सर चार घंटे में मैं राजपुरा थी उसके बाद पांचवें में तीस किलोमीटर मैंने कवर किया ऐसे बोलोगे ना किसे चार किलोमीटर में तो मैं 210 कर चु 220 कर चुका था अब आखिरी घंटे में, में कितना ट्रेवल किया तो पहुंचा था, था तो शायद तीसरे घंटे में मैंने वो दोनों का डिफरेंस दिस इज हाउ यूल कैलकुलेट तो अगर मैं तुमको बोलता हूं फिफ्थ सेकंड में कितना कवर किया तो तुम्हारा सिंपल सा तरीका क्या होगा यू विल से सर हम लोग ना जितना डिस्टेंस हमने पांच सेकेंड में किया वो निकालेंगे जितना डिस्टेंस हमने चार सेकेंड में किया हम वो निकालेंगे और मुझे क्योंकि S in fifth second चाहिए तो मैं क्या करूंगा सिंपली एस फाइव माइनस एस फोर सबको समझ में आया और एस फाइव कैसे निकालोगे यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यू कितना है टेन टेन इंटू फाइव प्लस हाफ एटी हाफ इंटू टू इंटू फाइव का square. हाफ इंटू टू इंटू फाइव का स्क्वायर कितना बनता है जल्दी बताओगे कोई सेवेंटी फाइव मीटर तो सेवेंटी फाइव मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल सेवेंटी फाइव मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल क्या सबको सेवेंटी फाइव समझ में आ गया सिमिलरली एस फोर का निकालो टेन इंटू फोर प्लस हाफ इंटू टू इंटू फोर का स्क्वायर ये कितना बन गया फिफ्टी सिक्स इसका मतलब कितना हुआ कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेवेंटी फाइव माइनस फिफ्टी सिक्सवें सेकंड में नाइनटीन मीटर्स कवर किया है अगर मैंने पूछा गया होता एक सेकंड में कितना किया है तो फिर तो सिंपली एस वन निकाल दो सेकंड सेकंड में कितना कवर किया है तो पहले दो का निकाल लो फिर एक का माइनस कर दो तीसरे में कितना कवर किया तीन का निकाल लो दो का माइनस कर दो इस तरह से करते जाओ अब मैं पूछू हंड्रेड में कितना किया है सौ का निकाल लो नाइनटी नाइन का निकाल लो माइनस कर दो ये तरीका है कि नहीं तो इसी चीज को ना मैं एक जनरल तुमको फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे एस इन एन सेकंड उसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन अब एक क्विकली काम करो ये जो तुमने 19 निकाला है ना इसी क्वेश्चन की फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके चेक करो है u कितना डाल देना 10 n कितना डाल देना 5 क्योंकि फिफ्थ सेकंड में चाहिए एन फाइव डाल दो ए तुमको टू दे रखा है जल्दी चेक करो नाइनटीन आ रहा होगा ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एन सेकंड का है ना आई थिंक चेक कर लिया होगा सबने बस कुछ नहीं है इस फॉर्मूला में डाल के देख लो u की जगह कितना डाल देना इसका वैल्यू कितनी है u की टेन a कितना दिया है टू टू बाई टू टू इंटू फाइव माइनस वन तो कितना बन गया टेन प्लस नाइन नाइनटीन आ गया तो अब से तुमको पूरा पूरा नहीं करना मतलब अगर मैं अब तुमको कभी भी बोलता हूं कि मुझे टेंथ सेकंड में निकाल के बताओ अब मत करने बैठ जाना कि टेन का निकाल लिया नाइनटीन का माइनस ठीक है तरीका सही है बट अब हमने वो फॉर्मूला तैयार कर लिया है तो सर फिर फॉर्मूला क्या ऐसे ही तैयार किया जैसे बिल्कुल यही चीज लगा के हमने वो फॉर्मूला रेडी किया ठीक है कि अगर मैं तुमको बोलता हूं एनथ सेकंड में चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम एन सेकंड तक का डिस्टेंस निकाल लो एन माइनस वन सेकंड तक का निकाल लो माइनस कर का मतलब ये की डेरिवेशन डेरिवेशन देखो क्या है आई सिंपल से एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस मतलब ये फॉर्मूला में टी की जगह पे एन डाल दो क्या बनेगा तुम्हें यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ये समझ में आ गया माइनस कर दो अब टी की जगह पे डाल दो एन माइनस वन दैट इज यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर बस टी की जगह पे हमने डाल दिया एन माइनस वन खोल के देख लो अपने आप तुम्हारा आ जाएगा यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन याद हो जाएगा सबको करना ही है या हो ही जाएगा फिर कोई ऑप्शन नहीं है करना ही है ये ये पांचों याद होने चाहिए मैं फिर से बोल रहा हूँ पहले तीन तो होना ही चाहिए वो तो होते ही है तुमको वो तो तोते की तरह तुमने सबने रटी रखे होते हैं अपने आप ही याद होते हैं जो चौथा है अगेन नहीं याद करोगे काम बन जाएगा पहले ये इस यहां से टाइम निकाल के सॉरी यहां से सॉल्व करके एक चीज निकाल के यहां पुट कर देना तो आ जाएगा आंसर कोई दिक्कत नहीं ठीक है बट अगेन थोड़ा बेनिफिट जरूर हो जाएगा अगर पहले से याद है तुमको दो इक्वेशन यूज करने के बजाय तुम सीधा चौथा यूज कर सकते हो बट इफ यू डोंट लर्न देर इज नो प्रॉब्लम कोई इक्वेशन नहीं रुक रहा तुम्हारा उससे ठीक है पांचवा अगेन तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं रुक रहा उससे एन तक का निकाल दो एन माइनस वन का निकाल दो हो जाएगा बट क्यों मेहनत करें व्हेन यू कैन जस्ट डू इट इन जस्ट टू सेकेंड्स समझ में आएगा सबको किसी को यहां तक कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है <coughs> हाँ भाई कोई क्वेश्चन नहीं है कहां वो क्वेश्चन पूछने वाले लोग ये दोनों साथ बैठे हैं हाँ भाई अच्छा इजी ठीक है चलो ओके तो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन करते हैं एंड सरप्राइजिंगली फिर हम क्लास खत्म कर देंगे एक छोटा यहीं तक करेंगे कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly a car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds to velocity of 8 meter per second Okay. It then runs at it then runs at constant velocity for some time and is finally brought to rest and is finally brought to rest. इन सिक्सटी फोर मीटर इन सिक्सटी फोर मीटर चौसठ सिक्सटी फोर मीटर विद कॉन्स्टेंट रिटार देखो रिटार्डेशन का सिंपल मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन ठीक है मैं क्वेश्चन में ऐसा भी लिख सकता हूं विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बस कुछ नहीं है उसमें एक्सेलरेशन क्या लेंगे नेगेटिव हो जाएगी अपने आप सो दैट्स नॉट अ कंसर्न ठीक है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज The total distance covered by car is five eighty four meter, five eighty four meter, five eight four pansochrasi, five eighty four meter. Find value of acceleration. रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन एंड टोटल टाइम टेकन सारा स्ट्रेट लाइन मोशन है लेट मी जस्ट एक्सप्लेन जब देखो ये जो चैप्टर है ना कैनोमैटिक्स हम अभी कर रहे हैं मोशन इन वन डी पढ़ रहे हैं हम अगला चैप्टर भी हमारा कानामेटिक्स होगा उसमें मोशन इन टू डी होगा तो यहां पे सारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ठीक है चो इधर देखो तो मैं एक बार सिचुएशन समझा देता हूं बोल रहे हैं कि पार्टिकल हमारा ए पोजीशन से रेस्ट से स्टार्ट करता है ना इसे से रेस्ट स्टार्ट करता है मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है जीरो और पहले ना वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है कब तक बी बी तक पहुंचने तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब यहां पे कुछ ए वन है विच इज कॉन्स्टेंट तो ए से लेकर बी तक तुम हमारे वो सारे जो भी पांच फॉर्मले लिखवाए जो लगाना है तुम लगा सकते हो विदाउट एनी टेंशन ठीक है और बी पे जाके उसकी स्पीड कितनी हो जाती है एट मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्मली जीरो से बढ़ते बढ़ते एट हो जाती है और इस इस दौरान उसको जो टाइम लगता है 10 क्या वो बताया है नहीं कितनी देर के लिए कुछ देर के लिए कॉन्स्टेंट एट मीटर पर सेकेंड पे जाता है मतलब यहां पे भी स्पीड कितनी है एट मीटर बीच में बीच थ्रू आउट एट रहती है डिस्टेंस भी नहीं पता कितना है कुछ नहीं पता यहाँ वो निकालना पड़ेगा फिर उन्हें बोला कि फिर सी से लेके डी तक ना हमने उसको रिटार्डेशन करवाना स्टार्ट कर दिया मैं उसको ए टू बोल देता हूं तो इन्होंने कहा कि सी से लेके डी तक मतलब फाइनली वो फिर से क्या आ चुका है बॉडी हमारी रेस्ट पे अच्छा हमको डिस्टेंसिस क्या क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि जो ये डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू सिक्सटी फोर मीटर्स एंड वी आर ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दट कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल टू हाउ मच फाइव एटी फोर यह भी दे रखा है अपने क्वेश्चन में हमको क्या क्या निकालना है एक तो यहां पे ए वन निकालना है एक यहां पे रिटार्डेशन ए टू निकालनी है और तीसरा टोटल टाइम निकालना है पूरा ए से लेके डी तक कितना टाइम लगा ठीक है तो लग जाओ काम पे ये अनफेयर है ना तुम्हारे साथ ये अनफेयर है ना तुम्हारे साथ आमरेस्ट लेफ्ट हैंडर हो गलत बात है दुनिया दुनिया बहुत अनफेयर है मतलब हाँ ये तो बहुत ही गलत हुआ और बोलते भी ऐसा है कि उल्टे हाथ से लिखते हो हाँ जी कर रहे हो किसने निकाले आंसर्स सारे बस मेरे से टाइम चेक करवा लो लास्ट का अगर टाइम तुमने सही निकाला तो सब कुछ अपने आप सही होगा दिखा दो एक बार 80 कितना आ रहा है 84 नहीं है 6 आएगा 86 हां परफेक्ट आंसर 86 सिक्स सेकेंड आना चाहिए 86 सिक्स सेकेंड टोटल आएगा अगर वो आंसर निकल रहा है तो आई एज्यूम कि सब कुछ सही किया होगा फिर तो बीच में निकाल दिया स्टार्ट करें डिस्कशन चलो करो करो लास्ट टू मिनट्स ले लो जल्दी से हो गया ठीक चलो भाई ए से लेके बी तक सबसे पहले लगा रहा हूं मैं यहां पे इसको ना ऐसे कैटेगराइज कर लिया करो कि हम लोग ए से बी लगा रहे हैं पहले a से b ऐसे लिख लो b से c और c से d अलग a से b a से b में हमको क्या-क्या चीजें पता है u पता है v पता है t पता है a चाहिए तो बड़ा आसान है यू कैन सिंपली से v is equal to u at b कितना है 8 u कितना है 0 plus a और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड्स तो a कितनी आ गई हमारे पास 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लियर है ठीक है और डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लो अब डिस्टेंस के लिए क्या यूज कर सकते हो यू टी प्लस हाफ एटी यूज़ कर लो या फिर यू प्लस बी बाई टू इंटू टी जो मैंने चौथी है सिंपली लगाना है हाफ एटी स्क्वायर दैट इज हाफ इंटू ए कितना है ए कितना निकाला पॉइंट एट इंटू टेन का स्क्वायर तो दैट इज हंड्रेड दैट इज फिफ्टी इंटू पॉइंट मीटर चालीस मीटर निकल के आ गया तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू फोर्टी मीटर आई होप ये समझ में आ गया ठीक है अच्छा, अगर ये मीटर है, फिर तो मुझे ये भी बड़ी आसानी समझ में आ रहा है कि ये चालीस है ये मेरे पास कितना है सिक्सटी फोर दोनों मिला के कितना हो गया वन हंड्रेड फोर अब टोटल में से मैं ये दोनों का माइनस कर दूं 104, तो कितना बचेगा 480 एटी तो मतलब ये वाला जो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस है ये कौन सा कितना डिस्टेंस है मीटर और बी से सी मेरा मोशन कौन सा मोशन है यूनिफॉर्म डिस्टेंस कितना बी तो कि से सी तक जो मुझे लग रहे हैं दैट इज सिक्सटी सेकेंड लग रहे हैं यह सबको समझ में आ गया एकदम सिंपल अब आ जाओ सी से डी के बीच में टी से डी में अगेन मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए आ, मेरे पास एस है U यहाँ पे 8 हो जाएगा V यहाँ पे 0 हो जाएगा U ये यह V यहां से यहां तक गए हैं तो एक्सेलरेशन चाहिए कौन सा फॉर्मुला लगाना चाहते हो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस लगा लो तो जल्दी से देख लो या फिर एक काम कर सकते हो पहले टाइम भी निकाल सकते हो टाइम के लिए क्या लगाना पड़ेगा

तो या तो बोल दो कि एक्सेलरेशन माइनस पॉइंट फाइव है या बोल दो फाइव है ठीक है ये समझ में आ गया एंड हमको का टाइम भी चाहिए था टाइम के लिए बोल दो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी वी कितना है यहां पे जीरो यू कितना है एट एक्सेलरेशन कितनी है माइनस पॉइंट फाइव टाइम तो यहां से टाइम हमारे पास निकल के आ गया सिक्सटीन सेकेंड तो यहां से यहां तक का जो टाइम है दैट इज सिक्सटीन सेकेंड तो टोटल टाइम कितना आ गया टेन प्लस सिक्सटी प्लस सिक्सटीन दैट इज 86 सिक्स सेकेंड टोटल टाइम ठीक हो गया तो तीनों टाइम भी निकल अब तो टोटल टाइम भी हो गया अपने पास एक्सेलरेशन पूछी थी वो भी हो गया रिटार्डेशन भी हो गया सब कुछ निकल के आ गया किसी को कुछ भी पूछना है यहां पे क्लियर एकदम चलो दैट्स इट तो आज इतना ही करना था